بسم الله الرحمن الرحيم होता है कि इंसान ज़कात खुद अदा नहीं करता बल्कि अपने वकील के जरिए से दूसरों तक पहुंचवाता है, फुकारा तक। ऐसी सूरत में मुवक्किल की नियत का एतबार होगा, वकील की नियत का एतबार नहीं होगा। इसकी मुकम्मल तफसील हमने बाकायदा एक दूसरे क्लिप में ज़िक्र की थी, आप उसको सुनना चाहें तो हमारे चैनल पर डिटेल के अंदर, तफसील के अंदर वो मौजूद होगा। यहाँ जो मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ वो ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि मुवक्किल ने अपने वकील को पैसे दिए ज़कात की नियत से। अब वकील वो पैसे लेकर चला गया, अगर वकील ने वो ज़कात पैसे दे दिए फ़कीर को, मुस्तहिक को, तो मुवक्किल की ज़कात अदा हो गई। लेकिन अगर अभी वकील ने वो पैसे किसी को नहीं दिए थे, इधर से मुवक्किल की नियत बदल गई, उसने ये सोचा कि उसको मैंने जो ज़कात दी थी बस मैं नियत ख़त्म करता हूँ, अभी वो पैसे ले लेता हूँ, किसी और जगह पे खर्च करता हूँ, ज़कात फिर दोबारा किसी वक्त अदा करूँगा। अगर मुवक्किल ने नियत तब्दील कर ली तो इसका नियत तब्दील करना बिल्कुल ठीक होगा। या इसने यूँ नियत कर ली कि वो जो पैसे मैंने वकील को दिए वो ज़कात के नहीं, वो मेरी नज़र के हैं, जो मैंने मन्नत मानी थी वो उसके हैं या फलां चीज़ के हैं। तो अगर इसने नियत तब्दील कर ली वकील के पैसे देने से पहले, मुवक्किल की नियत मोतबर होगी और अब वो रकम उसी मसरफ में खर्च होगी, उसी मसरफ में शुमार होगी जिस मसरफ की मुवक्किल नियत कर रहा है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।